भारत ऑन जर्नी जब स्टार्ट करनी थी 10,000 किलोमीटर रन अक्रॉस द इंडिया, सो एक अच्छा रूट, अच्छे रूट की ज़रूरत थी और अच्छा दिन होना ज़रूरी था। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मैं इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट करूं कि जब मैं नॉर्थ कॉर्नर में पहुंचता हूं इंडिया के, सो वहाँ का एटमॉस्फेयर ये होना चाहिए कि मैं रन कर सकूँ, क्योंकि 6 महीने तो लद्दाख में कंप्लीट बर्फ़ होता है, -20, -30 degrees टेम्परेचर होता है, सो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और बाकी जो रोड जो है कश्मीर से लद्दाख का या फिर लद्दाख से मनाली तक का, वो ब्लॉक हो जाता है। सो मुझे उस तरीके से देखना था कि ये दोनों रूट जब मैं ऊपर चढ़ूँ और फिर से नीचे आऊँ तो वो मुझे खुले मिलने चाहिए। एंड देन बैक कैलकुलेशन करते करते 15th August 2014 में ये रन स्टार्ट हुआ था, तो 15th अगस्त का दिन, और इससे अच्छा दिन आपको क्या मिलेगा। आई मीन सो वी ऑल, माय टीम आर एक्साइटेड। सो यस, पहला दिन था, बहुत एक्साइटमेंट थी, न्यूज़पेपर में आ गया था तो हज़ारों लोगों ने विश किया, हज़ारों लोगों ने बोला ये डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात होगी कि समवन इन इंडिया ऑल्सो कैन डू दिस टाइप ऑफ रन, बिकॉज इंडिया इज समथिंग लाइक हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एटमोसफियर एंड टेरेन एंड फैंटास्टिक। आई मीन यस, एब्सोल्युटली, नॉर्थ में आपको हाई अल्टीट्यूड मिलता है, देन राजस्थान में आपको गर्मी मिलती है, साउथ में आपको हीट एंड ह्यूमिडिटी मिलती है, जब भी आप ईस्टर्न साइड में जाओगे तो बारिश और बहुत सारी डिफ़िकल्टी भी आती है। यस, तो इस तरह से मिक्स इमोशन यह था। बट मुझे याद है कि हम लोग को प्लान था कि सुबह 6 बजे हम रन स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग 5:30, 5 बजे के आसपास पहुंचने का ये सबका हमारा प्लान हो चुका था। यस, हम लोग करीबन 6 बजे के आसपास पहुंच गए एंड सब तैयारी हो चुकी थी। फोर्टिस हॉस्पिटल जो हमारे मेडिकल पार्टनर थे, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे ये रन में, अगर वो नहीं होते तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, क्योंकि रनिंग 60 to 80 किलोमीटर अ सिंगल डे, 12 से 14 घंटे रोज़ रन करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स आपने ट्रेनिंग ज़रूर की होगी, मैंने ज़रूर की थी ट्रेनिंग इस तरह की, तो प्रॉब्लम वो नहीं था। आई हैव ट्रेन वेरी हार्ड, करीबन ट्रेनिंग के बारे में हम किसी अलग इसमें आपको बताऊंगा, लेकिन पहला दिन जो था बहुत एक्साइटमेंट थी। एक तो 15th August और गेटवे ऑफ इंडिया, सो प्रकाश मानी सर जो है हमारे रनर दोस्त है एंड बहुत जिंदा दिल इंसान है, शायद ही कोई ऐसा इंडिया में रनर होगा जो उन्हें नहीं जानता है। 15 अगस्त के दिन आपको गेटवे ऑफ इंडिया पे जाने की परमिशन नहीं मिलती है, वो कंप्लीट आइसोलेशन किया जाता है वहाँ पे एरिया। बट उनकी वजह से 15 अगस्त को हमारा ये रन जो है गेटवे ऑफ इंडिया से स्टार्ट हुआ। नाउ सुबह जब मैं पहुँचा तो अनुराग दिखा, जो हमारी टीम का मेन बंदा था, लीडर था, देन लिया, उनकी वाइफ, राम सुब्रमण्यम, विवेक व्यास, श्रुति, हर्षिल, ऐसे कई लोग थे हमारे ग्रुप में, नीता मैम थी, जो नीता मैम हमारे कॉल कोऑर्डिनेशन थे, सब कोऑर्डिनेट करते थे हर रनिंग ग्रुप को, जगदीश सिंह जी मेरे बहुत सपोर्ट किया था काफ़ी मीडिया, देन ऑफकोर्स माय वाइफ ज्योति एंड इंद्रजीत ऑल्सो देयर विथ मी, नाइकी वॉज माय रनिंग पार्टनर जिन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था रनिंग गेयर्स एक पूरे रन में। सब कुछ हो गया, एवरीथिंग वॉज देयर, सब सेटअप हो गया। डॉक्टर विजय लाहोटी जो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो सचिन करकरे ये फिजियो थे, तो पहले दिन जब आए हम लोग, सब सेटअप हो गया, हमने चेक कर लिया गाड़ी में सब कुछ, खाने पीने का सामान है या नहीं, पानी है कि नहीं, एंड बिलीव मी करीबन बहुत सारे लोग थे, मैं तो गिन भी नहीं पाया कितने थे। एंड आई अभी भी याद है, करीबन 6:40 पे हमारा रन स्टार्ट हुआ और बस वो जर्नी
गेटवे ऑफ इंडिया से स्टार्ट होते होते शिवाजी पार्क पहुँचे। शिवाजी पार्क से पहुँचते हुए हम लोग गोरेगांव आए, काफ़ी फ्रेंड थे, एंड यहाँ से हम लोग मनोर तक पहला हमारा स्टॉप था। तो फर्स्ट डे वी डिड अप्रोक्सीमेटली 78 किलोमीटर रन हो चुका था हमारा शाम को, एंड यस, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो बहुत सारा एक्साइटमेंट था वो 15 अगस्त को, एक प्राउड फीलिंग थी कि हम इंडिया के लिए कुछ कर रहे हैं, रनिंग कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। सो ये एक मोस्ट मेमोरेबल डे इन माई लाइफ, जो शायद ही मैं कभी भूल पाऊँगा कि इतने लोग जो आए थे मुझे विश करने, मुझे सपोर्ट करने। तो जब इतनी ताकत मिल जाती है आपको, सो दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ जर्नी। थैंक यू एवरी वन, ऑल माई रनिंग फ्रेंड्स एंड ऑल माई टीम मेम्बर ऑफ द रन इंडिया फाउंडेशन, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी सपोर्ट करने के लिए। सो मिलते हैं दूसरे दिन कुछ नए किस्से के साथ में, कुछ नई यादें के साथ में।